दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लैक डॉग विस्की की पूरी लाइनअप जो है वो चेंज हो गई है? क्या आप अभी तक पुरानी वाली ब्लैक डॉग विस्की को पी रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नई ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व विस्की। आज करेंगे इसका डिटेल रिव्यू, बताऊंगा आपको इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ब्लैक डॉग ने अपनी पूरी लाइनअप को अब चेंज कर दिया है, एक नया प्रोडक्ट अब इन्होंने अपनी लाइनअप में एड अप कर दिया है। वो कौन सा प्रोडक्ट है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नई नई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ब्लैक डॉग विस्की के पहले दो वेरिएंट्स मार्केट में आते थे। एक तो हम जिसको नॉर्मल ब्लैक डॉग बोलते थे, जो ब्लैक कलर के बॉक्स में आती थी, और दूसरी ब्लैक डॉग गोल्ड, जो कि गोल्डन कलर के बॉक्स में आती थी। लेकिन भाई अब एक तीसरा प्रोडक्ट भी उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर आपको ए स्टेटमेंट मिलेगी। और ए स्टेटमेंट भी 12 साल वाली नहीं मिलेगी, 14 ईयर्स की ए स्टेटमेंट मिलेगी। जी हाँ, तो ब्लैक डॉग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग अपनी लाइनअप कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ में रिव्यू किया जाए नई ब्लैक डॉग का। तो आज करेंगे इसका डिटेल रिव्यू, देखेंगे कि क्या सिर्फ इसकी पैकेजिंग ही चेंज हुई है या फिर इसका जो टेस्ट है वो भी कंपनी ने कुछ चेंज किया या नहीं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूं आपको कि बॉटल में क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने किए हैं, इसका अब प्राइस क्या है, कितनी अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है और इसका क्या टेस्ट है, कैसी इसकी नोजिंग है। तो दोस्तों ये है लुक नई ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व विस्की की। जैसे कि आप देख रहे हो बॉटल की अब जो शेप है वो बहुत ही अच्छी कर दी है। ये कई लोगों को शेप पसंद भी आएगी और कई लोगों को नापसंद भी आएगी, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे देखने में बॉटल काफ़ी अच्छी लगी। एक प्रीमियम फील देती है बॉटल, क्योंकि इसका जो प्राइस है 2000 से लेके 2200 की पंजाब में ये मिलती है, उस हिसाब से अगर अब बॉटल को देखो, अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करो तो बॉटल काफ़ी प्रीमियम लगती है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो बॉटल में हुआ है भाई, पहले जो बॉटल आती थी वो स्क्रू वाले कैप के साथ आती थी, लेकिन अब जो बॉटल आ रही है इसमें कॉर्क का यूज़ किया है। कॉर्क का अपना ही एक फील होता है, अपनी एक मज़ा होता है जब उसको ओपन करते हैं, तो ये सब चीज़ें कंपनी ने इसमें चेंज कर दी हैं। तो अब इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं कि क्या इसका जो टेस्ट है उसमें भी कुछ चेंज हुआ है या फिर ये पुराने वाला टेस्ट ही हमें ऑफर करती है। इसकी जो बॉटलिंग है ये इंडिया में हुई है, इसकी डिस्टिलेशन, इसकी मैचुरेशन और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो स्कॉटलैंड में हुई है। ये 750 ml की बॉटल है और इसमें जो आपको अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। अब बॉटल के साथ इन्होंने एक ये लेबल भी दिया है जो देखने में एक काफ़ी प्रीमियम लुक इसको प्रोवाइड करता है। अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो गाइस पोर करते हैं इसको अपने ग्लास में। वैसे तो मैं ब्लैक डॉग का रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में आपको बताया था। ये सिर्फ इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो बॉटलिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो थोड़ा सा पोर करते हैं इसको। कलर जैसे कि आप देख रहे हो एक बहुत ही प्यारा एक गोल्डनिश कलर है, और जो कॉर्क है कॉर्क की भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है प्रोवाइड की है। भाई जैसे ही मैंने इसको ग्लास में डाला, काफ़ी अच्छी एक फ्रूट्स का अरोमा मुझे आना भी स्टार्ट हो गया है। पहले लेग्स देख लेते हैं, लेग्स कैसी बन रही हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं। जी हाँ, ये इसका नेचुरल कलर नहीं है, इसमें एडिट कलर्स का यूज़ किया गया है। लेग्स इसकी मीडियम बन रही है, लेकिन भाई सच बताऊँ तो इसमें डिफरेंस है। पहले वाली जैसे ही हम ग्लास में डालते थे तो इतनी बेहतरीन नोजिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ग्लास में डाला है मुझे यहाँ दूर तक बैठे हुए इसकी काफ़ी अच्छी नोजिंग, फ्रूट्स की नोजिंग आनी स्टार्ट भी हो गई है। चीयर्स। भाई वेरी 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 फ्रूटी, फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा इसमें से एक अरोमा आ रहा है। एप्पल्स, पियर्स,
सम पीचीज हनी मिल रहा है मुझे इसमें से, वनीला के काफी अच्छे नोट्स आ रहे हैं, हनी की काफी अच्छी नोजिंग आ रही है इसमें से, एक बिल्कुल माइल्ड सी स्मोकीनेस मिल रही है भाई, डिफरेंस बिल्कुल महसूस हो रहा है, जो पहले वाली ब्लैक डॉग थी उससे काफी अच्छी अब मुझे पंची इसमें से एक अरोमा फील हो रहा है। जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। भाई वाह, बहुत ही ज्यादा फ्रूटी हो गई है, बहुत प्यारा टेस्ट है, वेरी क्रीमी, बहुत इजीली नीचे जा रही है, बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि मक्खन होता है वैसी बिल्कुल स्मूथ है ये। जो शहरी कास्क में इसको मैच्योर किया गया है भाई, उस कारण से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा उभर के बाहर आ रहा है। मुझे फ्रूट्स बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, इतने प्यारा, इतना कॉम्प्लेक्स टेस्ट है इसका कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूं। पहली से मुझे काफी अच्छा अब इसका टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट लगा है, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन सच मानो तो मुझे टेस्ट में काफी डिफरेंस मिला है भाई। अब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगती है, जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको लिया है 2000 रुपीज़ में, उस प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतरीन ब्लेंडेड स्कॉच है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो मैं बोलूँगा प्लीज़ एक बार ट्राई करो और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करो कि आप लोगों को पीने में कैसी लगी है। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी भाई, वो दूंगा 9.1। सच में मुझे पीने में काफ़ी बेहतरीन लगी है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आप लोग इसको जरूर ट्राई करो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।